वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है छठ पूजा का तीसरा दिन, और तीसरे दिन को बोलते हैं संध्या अर्घ, क्योंकि जो भी फास्ट रखता है आज के दिन शाम को जब सूरज ढलता है तो उन्हें अर्घ दिया जाता है और वहाँ पूजा होती है। सो अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं और जा रहे हैं, तो वहां पे हम लोग किस तरीके से करते हैं वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मेरी जो मौसी सास है उनके घर के आगे बहुत अच्छी जमीन है, अच्छी खासी, तो वहां पे हम लोग गड्ढा खोद के वहां पे अच्छी तरीके से पूजा होती है। क्योंकि यहाँ पे जो नदी में जहाँ पे एक्चुअल में पूजा होती है वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होती है और अच्छी तरीके से पूजा नहीं हो पाती है, तो कुछ सालों से जो है मेरी सास वहीं पे करती है, तो वहां पे जाती हूँ और सब कुछ शूट करूंगी और आप लोग के साथ शेयर करूंगी। 4 बजे हम लोग जा रहे हैं पूजा करने के लिए। देखा आपने कितने ढोल नगाड़ों के साथ लोग नाचते गाते हुए जा रहे हैं शाम की पूजा करने के लिए। यूपी बिहार का ये बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। ऐसा माना जाता है जो भी छठ मैया की जो पूजा है बहुत ही विधि विधान से और दिल से करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो छठ पूजा जो है अपने घर की सुख समृद्धि के लिए की जाती है। आप देख सकते हैं सूरज देवता जी जो है निकल चुके हैं, अभी शाम को जब ये ढलेंगे तो इनको अर्घ दिया जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, बड़ी सी टोकरी बांस की बनी हुई है, ये लोगों को सर पे ले जाते हुए आपने कई बार देखा होगा। इसके अंदर फल फूल पूजा की सामग्री ठेकुआ सूप गन्ना ये सब रखा जाता है और इसे बहंगी कहा जाता है। और
शाम की जो पूजा थी बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई है। अब हम लोग जा रहे हैं वापस से अपने घर, और वहाँ पे भी थोड़ी बहुत और पूजा होनी बाकी है, आरती वगैरह होगी। और देख सकते हैं इतनी रात को भी कितनी रौनक लगी हुई है यहाँ पे। सभी जो है हम लोग संध्या अर्घ दे के आ रहे हैं घर। मम्मी ये दिया लेके आ रही है, इसको रात भर दिया जलेगा। हाँ। रात भर गीत गाना सब होगा, भजन कीर्तन हम लोग करेंगे। अच्छा। और अभी खुशियाँ भरेंगे। खुशियाँ भरना मतलब? खुशियाँ मिट्टी की खुशियाँ में सब फल फ्रूट रख के भरते हैं। अच्छा। सभी जो मैं अपना सिंहूरा लेके जा रही हूँ और इसकी भी पूजा होती है, इसको भी रखते हैं पूजा में। आ गए हैं वापस से घर और यहाँ पे जो है अभी पूजा होगी, और दीदी जो है रंगोली बना रही है, बहुत सुंदर बनाई है दीदी। अच्छा लग रहा है। सभी घर पे भी आके पूजा हो चुकी है, और जो मम्मी ने ये कोसी भरी थी ना, इसको पूरे घर में दिखाना है इस पूरे दीपक को, तो वही मैं भी कर रही हूँ। तो आज का जो व्लॉग है मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि मैं जल्दी से सोना है और सुबह जो है 3:30 बजे उठना है, और सुबह का जो उगता हुआ सूरज है उसे हम देखेंगे और उनकी पूजा होगी। तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज टी व्लॉग।